एक गांव के टूटे फूटे अस्पताल में एक दोपहर ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे, मशीनें भी नहीं थी। एक गुप्त सा कमरा था, उसमें एक 20-21 साल की लड़की थी जो जोर जोर से रो रही थी। दो लोगों ने उसके हाथ पांव पकड़ रखे थे। तभी तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ा, उसके पास औजार था, एक तलवार थी। तलवार से लड़की के पेट में चीरा लगा दिया गया, खून का फव्वारा बह निकला और फिर उसी रास्ते जिंदगी बह निकली। लड़की शांत हो गई, कमरे के लोग सक्रिय हो गए, उन्होंने टॉर्च जलाई और कटे पेट में झांकने लगे, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। तलाश थी चावल के दानों की, इल्जाम था कि लड़की ने अपने पति की लाश पर गिरे चावल खाए, अपने हिस्से के चावल खाने के बाद खाए। ये भ्रष्टाचार था और उस समय उस जमीन पर इस तरह के भ्रष्टाचार की इजाजत नहीं थी। वैसे उस समय उस जमीन पर इस लड़की की कहानी इकलौती भी नहीं थी, ये 25 लाख ऐसी ही कहानियों में से एक थी। वैसे इस समय इस जमीन पर इन कहानियों को कहेंगे तो यूं कहेंगे कि एक सनकी तानाशाह था जिसकी खपत में लगभग, और ये लगभग शब्द मौत के साथ तब आता है जब संख्या बहुत ज्यादा हो, ठीक ठीक ना पता हो और जितना पता हो असल संख्या उससे ज्यादा हो, कि एक सनकी तानाशाह की खपत में लगभग 25 लाख लोग मारे गए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप की नई सीरीज है तानाशाह, और तानाशाह में आज बात होगी कंबोडिया के तानाशाह सलोत सोर उर्फ पोलपॉट की। बात एक दोपहर से शुरू हुई, लेकिन क्रूरता का यह सिलसिला कुछ बरस पहले एक दूसरे दोपहर को शुरू हुआ था। साल था 1975 का, कैलेंडर में 17 अप्रैल पर लाल निशान बना था। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन में सब कुछ मंथर गति से चल रहा था। एक सुस्त दोपहर की तरह दुकानों के आधे गिरे शटर, नुक्कड़ों पर पंचायत, दफ्तरों का लंच ब्रेक और रेंगता ट्रैफिक। लेकिन अचानक सुस्ती सरगर्मी में बदल गई। ट्रैफिक को परे धकेल कर शहर में एक काफिला दाखिल हो गया। इसमें टैंक थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी, मिलिट्री ट्रक थे, काफिले में पैदल भी थे, कतार से चलते, ज्यादातर नौजवान, लेकिन 8 से 80 की उम्र वाले भी कुछ। क्या ये सेना थी? हाँ, ये सेना थी, देश की नहीं, बागियों की, उसके रंगरूटों की, जिनकी पहचान अलग थी। वर्दी के ऊपर सबके गले में पड़ा धारीदार लाल गमछा। ये लाल गमछा याद रखिएगा, नॉमिक्लेचर में काम आएगा। ये गमछाधारी शहर में घुसे तो हल्ला मच गया, फिर सब कुछ जैसे अचानक शांत हो गया। रेडियो नोमपेन पर एक जरूरी सूचना आने लगी, अब इस देश पर अपने लोगों का शासन होगा, आज्ञा से खमेर रूज। रेडियो प्रसारण इतना ही था, खत्म हो गया, हरकत फिर शुरू हो गई। पुरानी सरकार के कारिंदों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया गया सड़क के किनारे, और वहीं उनको गोली मार दी गई। जनता ने यह देखा, जनता काफी खुश हुई, जनता को लगा विदेशी शासन से मुक्ति मिल गई, शुद्धिकरण का समय आ गया। दरअसल यही जनता महीने भर से इस मोमेंट की तैयारी कर रही थी। राजधानी की सड़कों पर बोर दोपहरों में लोग बतियाते थे कि मैं चैन से हूं क्योंकि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, अगर खमेर रूस को जीत मिलती है तो सड़कों पर खून बहेगा, लेकिन वे उन्हीं लोगों को मारेंगे जिन्होंने अमरीकियों से मदद लेकर गरीबों की सहायता नहीं की। ये तो बयान थे, असलियत क्या थी? सड़क और अमरीका, कंबोडिया वालों की जिंदगी में, राजधानी के रहवासियों की जिंदगी में ये दो शब्द फिर लौटे, कुछ ही घंटों में लौटे, और इस बार का ऐलान रेडियो पर नहीं भोपू पर था। फौजी काफिले का एक कमांडर कह रहा था, इस शहर पर अमेरिका का हमला होने वाला है, अपने घरों से निकल जाओ, सिर्फ जरूरत के सामान लेकर निकलना, तुम गांव में सुरक्षित रहोगे, ये सब सिर्फ 3 दिनों के लिए हो रहा है, उसके बाद तुम्हारी दुनिया तुम्हें वापस मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा, ये कैसा आदेश है, हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? ऐसे लोगों को
फिर सड़क पर कतार में खड़ा कर दिया गया, कुछ घंटे पहले जैसे सरकारी कर्मचारियों को किया गया था। बाकी लोग समझदार थे, इस कतार को देखकर एक और कतार बनाई और शहर से बाहर जाने लगे गांव की तरफ। किसी के हाथ में दुधमुहे बच्चे, कोई माँ, कोई औरत, दूसरों के कंधे पर सहारा लेकर चलते बुजुर्ग, मरीज, हर कोई शहर की हर दिशा से शहर के बाहर जा रहा था, खुद को यह दिलासा देते हुए कि बस 3 दिनों की बात है। लेकिन ये 3 दिन 3 बरस से भी ज्यादा वक्त में बीते। ठीक ठीक कहें तो 3 बरस 8 महीने और 20 दिन में बीते। दरअसल खमेर रूस के सैनिकों ने उस दोपहर के बाद हर शहर को ऐसे ही खाली करवाया। तमाम जरूरी सरकारी इमारतें जैसे अस्पताल, स्कूल या बैंक बम लगाकर उड़ा दिए। जिन्हें नहीं उड़ाया वहां सैनिक तैनात कर दिए। और उड़ा दिए गए परिवार, धर्म, संपत्ति जैसे संस्थान। अब हर कोई गांव में रहने वाला एक नागरिक था, जिनके कोई अधिकार नहीं थे, कर्तव्य थे। गिनती में 2 अधिकारों के नामकरण के साथ, पहला देश की रक्षा करने का अधिकार, यानी सेना में भर्ती हो जाओ और व्यवस्था कायम करो। दूसरा काम करने का अधिकार, यानी अपने सब स्किल भूल जाओ और उस व्यवस्था के लिए धान उगाओ। वैसे नामकरण के लिए तत्पर शासक इस देश के लिए नए नहीं थे। एक शासक ने नया नाम धारण किया था और बनवाया था दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, लेकिन वो 800 साल पुरानी बात थी। ये जिस कंबोडिया की आप कहानी सुन रहे हैं वो कहां है? ये भारत के पूरब में है, म्यांमार और थाईलैंड के बाद है। कंबोडिया से सटा है उत्तर में लाओस और पूर्व में वियतनाम। वियतनाम के बाद समंदर शुरू होता है साउथ चाइना से, इसीलिए इस इलाके को यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को इंडो चाइना क्षेत्र भी कहते हैं। इस देश को कंबोडिया क्यों कहते हैं, इसकी एक कहानी है। कहते हैं कि उत्तर भारत से एक नागा साधु आए कम्बू स्वयंभू नाम के, फिर वहां पर उनके परिवार का विस्तार हुआ और उन्हीं के नाम से देश का नाम पड़ा कम्बुज प्रदेश। यही नाम बदलते बदलते कंपूचिया और फिर कंबोडिया हो गया। यहां के सबसे प्रतापी राजा हुए जयवर्मन द्वितीय। जनता में इतने पॉपुलर कि राजा को देवताओं का अवतार मान लिया गया। वैसे राजा ने अपना नया नामकरण भी किया देवराज। इन्हीं देवराज जयवर्मन द्वितीय ने 802 ईस्वी में खमेर किंगडम की स्थापना की। खमेर यानी कंबोडिया के मूल निवासी, इस शब्द को याद रखिएगा। इसी वंश में हुए सूर्यवर्मन द्वितीय, जिन्होंने 12वीं सदी में अंकोरवाट के मंदिर बनवाए। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का इन्हें दर्जा मिला है। कुछ 100 बरस बीते, 15वीं सदी आई, खमेर साम्राज्य कमजोर हो गया और अगले 400 बरस तक बगल के वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड के साम्राज्य इस पर कब्जे की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन लड़ाई रुकी एक दूर देश के दखल से, देश का नाम फ्रांस। साल था 1863 का, कंबोडिया फ्रांस की कॉलोनी बन गया। फ्रांस ने कंबोडिया के राजा को नाम भर का राजा मान लिया, जैसे 1857 के पहले हमारे देश में था मुगल नाम भर के दिल्ली में राजा, काम सब ईस्ट इंडिया कंपनी के। कंबोडिया में यह व्यवस्था 90 बरस चली। हालांकि बीच में एक व्यवधान आया, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने यहां पर कब्जा किया, मगर फिर बम गिरे, जापान गिरा, कब्जा गिरा, यानी एक बार फिर से फ्रांस हो गया यहां का चौधरी, कुछ ही बरसों के लिए, क्योंकि अब कॉलोनी बनाने का, खुली लूट खसोट का दौर बीत चुका था। फ्रांस वियतनाम और कंबोडिया सरी की कॉलोनी खाली कर रहा था। 9 नवंबर 1953 का दिन आया, कंबोडिया आजाद मुल्क बन गया। लेकिन इसके मुकम्मल लोकतंत्र के बनने में अभी वक्त था। उस वक्त में सत्ता का केंद्र बने थे राजा नॉर्डम सिहानुक। सिहानुक को पता था राजशाही को लोगों की ख्वाहिश का मुलम्मा पहनाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने आजादी के 2 बरस के अंदर ही पलटी मार दी। देश में लोकतंत्र लाने के वास्ते, चुनाव करवाने के वास्ते कुछ ऐलान किए और फिर अपनी गद्दी छोड़ दी। इससे पहले कि आप राजा की लोकप्रियता का, राजा की लोकतंत्र प्रियता का मुहावरा रखने लगे, इन बदलावों के पीछे की सियासत समझ लीजिए। राजा ने गद्दी छोड़ी मगर
गद्दी को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, उस पर बिठाया अपने बुजुर्ग पिता नॉर्डम सुरामृत को, खुद नेता बन गए, पार्टी शुरू की, संकुम नाम रख लिया पार्टी का। कंबोडिया में चुनाव हुए, सभी सीटों पर जीती संकुम पार्टी और पूर्व राजा सिहानुक बन गए आजाद कंबोडिया के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री। उन्हें लगा कि फ्रांस गया, अब निर्बाध राज चलेगा इस नए रूप में। लेकिन फ्रांस में उनके मुल्क कंबोडिया का एक नौजवान अब तक तैयार हो चुका था उनके निर्बाध को पग बाधा करने के लिए। फ्रांस की कॉलोनी कंबोडिया का कंपोंग प्रांत, यहां 1925 में एक खाते पीते किसान परिवार के घर लड़के का जन्म हुआ, नाम रखा गया सलोथ सोर। जैसे ही लड़के ने 9वें जन्मदिन का केक काटा, घर वालों ने उसके लिए राजधानी नोमपेन का टिकट काट दिया। नोमपेन में सलोथ का एक चचेरा भाई राजदरबार में काम करता था, एक बहन उसी राजदरबार में नर्तकी थी। ये राजसी लिंक बालक के काम आए। राजधानी के टॉप के फ्रेंच मीडियम स्कूल में उसका दाखिला हो गया। पढ़ने में कुछ खास नहीं था, लेकिन यहीं पढ़ते पढ़ते उसे पेरिस जाकर रेडियो इंजीनियरिंग करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। सलोथ पेरिस फ्रांस चला गया। वहां पर उसने सब कुछ किया पढ़ाई से तर। वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया। सोवियत संघ के कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिन को उसने अपना आदर्श बना लिया। स्टालिन जो इत्मीनान से था क्योंकि उसने हिटलर के साथ संधि कर ली थी, लेकिन जर्मनी ने रूस को नहीं बख्शा। नतीजतन स्टालिन अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक ही पाले में खड़े नजर आए और इस साथ ने वर्ल्ड वॉर टू की दिशा बदल दी। हिटलर हो या मुसोलिनी या जापान का साम्राज्य, यूरोपीय देशों की एशिया में उपनिवेशवादी सत्ता हो या कुछ और, दो बम गिरे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया और उसके साथ बहुत कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस खात्मे में कई लोगों के लिए शुरुआत थी, जैसे सलोथ सोर। वो जर्मनी के हमले से तबाह हुए फ्रांस से वापस अपने देश कंबोडिया लौट आया था। यहां वो दिन में अध्यापकी करता और शाम को कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार। इस पार्टी का नाम था खमेर पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी, खमेर यानी इस देश के मूल निवासी। जल्दी इस पार्टी में सलोथ का कद बढ़ने लगा। उसके जोरदार भाषण, सत्ता के शोषण के बारे में गरीबों को समझाने का उसका तरीका, आसान भाषा में क्रांति के सपने दिखाने का मादा, इन सब ने सलोथ को कुछ ही वर्षों में ताकतवर बना दिया। इतना कि उसे और उसके साथियों को ये पार्टी छोटी लगने लगी। नतीजतन 1960 में सलोथ ने एक नई पार्टी बनाई, वर्कर्स पार्टी ऑफ कंपुचिया। इसकी नींव एक खाली रेलवे की पटरी पर रखी गई एक नुक्कड़ सभा में। इस पार्टी में सबसे बड़ा पद था महासचिव का। यह पद सलोथ ने अपने पास नहीं रखा, इस पर बिठाया अपने मार्गदर्शक और बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेता तोउ समोथ को। लेकिन कुछ ही महीने बीते तोउ समोथ सलोथ सोर को अखड़ने लगे। सलोथ चाहता था बेशुमार लचीलापन, किसी भी सिद्धांत को ताकत पाने के लिए पलटा जा सकता है ऐसा लचीलापन। इस तरह का एटीट्यूड काडर को लगा कि टकराव पैदा करेगा नेताओं में। टकराव होता, लेकिन उससे पहले एक रोज तो समोथ गायब हो गए। अब सलोथ सोर के लिए कोई चुनौती नहीं थी पार्टी में। उनकी पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कंपुचिया अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपुचिया कहलाती थी, लेकिन ये नाम कागजों पर था। पब्लिक के बीच एक दूसरा नाम पॉपुलर था, खमेर रूस। खमेर यानी कंबोडिया के मूल निवासी, जैसा बार बार बताया, और रूस का मतलब लाल। मैंने आपसे कहा था लाल गमछाधारी इन बागी सैनिकों को याद रखिएगा। लाल लहू का रंग, लाल क्रांति का रंग, लाल कम्युनिस्ट झंडे का रंग, लाल उस गमछे का रंग जो कंबोडिया के इन कम्युनिस्टों की पोशाक का अनिवार्य हिस्सा बन चुका था, खमेर रूस। इन सब के बीच आप कहीं कंबोडिया के प्रधानमंत्री को तो नहीं भूल गए, पूर्व राजा सिहानुक। उनको सत्ता में आए बतौर प्रधानमंत्री कुछ बरस हो चुके थे। वो अपने हर मुमकिन विरोधी को बेतरह किनारे लगाने लगे थे। जाहिर सी बात है इसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, खमेर रूस भी उनके निशाने पर था। सिहानुक के तंत्र ने इन सबको कुचलना शुरू कर दिया। खमेर रूस के काडर
इससे बचने के लिए शहरों से गांव की तरफ भागे। भागने वालों में उनका जनरल सेक्रेटरी सलोथ भी शामिल था। वो वियतनाम यानी कि पड़ोसी देश की सीमा से सटे इलाकों में चला गया। लेकिन इसके पीछे रणनीति सिर्फ पलायन या बचने की नहीं थी। उस दौर में वियतनाम में जंग चल रही थी। सलोथ को लगा जंग उसके काम आएगी। वैसे वियतनाम युद्ध की कहानी भी निराली है। जैसे फ्रांस कंबोडिया से गया, वैसे ही वियतनाम से भी गया। लेकिन वियतनाम दो हिस्सों में बटा था, एक जगह कम्युनिस्टों का राज, दूसरी जगह कैपिटलिस्टों का। फिर दोनों आपस में जूझ गए। फिर हर जगह की तरह अमरीका यहाँ चौधरी बनने चला आया। फिर चीन और सोवियत संघ भी आ गए। लेकिन यहाँ पर अमरीका के सामने थी वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके कार्डर। यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था वियत मिन। वियत वियतनाम वाला और मिन मतलब चतुराई। हो ची मिन के नेतृत्व में वियत मिन के लड़ाकों ने चतुराई दिखाई, लड़ाई के गुरिल्ला तरीके अपनाए। और यही तरीके वियत मिन ने बॉर्डर के इस पार अपने कम्युनिस्ट साथियों को यानी खमेर रूस को भी सिखाए। इसलिए सलोथ सोर बॉर्डर के पास आ गया था। अब उसके कार्डर यानी कि खमेर रूस को पड़ोसी गुरिल्ले ट्रेन कर रहे थे। और खमेर रूस जिसके चलते राजधानी से भागा था, वो क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री सिहानोक पड़ोसी वियतनाम की जंग में पार्टी नहीं बने। हालांकि उनका झुकाव लगभग साफ था कम्युनिस्ट धड़े की तरफ यानी चीन और रूस की तरफ। लेकिन सिहानोक का एक और झुकाव था सिनेमा की तरफ। वो फिल्में बनाने लगे थे, खुद उसमें हीरो बनने लगे थे। देश में आधे पोस्टर पीएम सिहानोक की योजनाओं के होते थे और आधे हीरो सिहानोक के कारनामों के। लेकिन रील की दुनिया में दाखिल होने के बाद रियल दुनिया पर सिहानोक की पकड़ कमजोर होने लगी थी। सिहानोक को लग रहा था कि विरोधी सीमावर्ती इलाकों की तरफ भाग गए, अब राजधानी में कोई नहीं। लेकिन विरोधी थे, ऐन उनकी छत, उनके महल, उनकी कैबिनेट में थे। इन विरोधियों का नेतृत्व कर रहा था जनरल लोन नोल। कहने को सिहानोक का खास, कहने को सिहानोक की सरकार में रक्षा मंत्री, लेकिन असल में अमरीका का पिट्ठू। अमरीका की कंबोडिया में दिलचस्पी थी, तेल नहीं था, फिर भी अमरीका को लगता था कि वियतनाम में गुरिल्ले कमजोर नहीं पड़ रहे क्योंकि उन्हें सप्लाई मिल रही है कंबोडिया से, पड़ोसी देश से। सप्लाई के इस रूट को, चेन को कहा गया हो ची मिन ट्रेल। और इसे खत्म करने के लिए अमरीका ने सिहानोक राज खत्म करने की प्लानिंग की। ये वक्त था मार्च 1970 का। सिहानोक छुट्टी मनाने यूरोप गया था। पीछे से जनरल लोन नोल ने तख्ता पलट कर दिया, देश में राजशाही खत्म करने का ऐलान कर दिया, खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। फिर अमेरिका की मदद से विरोध प्रदर्शन भी कुचलवा दिए और फिर उसी अमेरिका के लिए कंबोडिया के दरवाजे भी खोल दिए। अब वियतनाम पर बमों की शब्दशः वर्षा शुरू हो गई। एक अनुमान है कि 3 वर्षों में 5,00,000 टन बम गिराए अमरीका ने। ये बम सिर्फ वियतनाम में नहीं गिरे, कंबोडिया के उन इलाकों पर भी गिरे जहां से गुरिल्लों को मदद मिलती थी। फिर तारीख आई 27 जनवरी 1973 की। सब वापस फ्रांस पहुंचे, पेरिस पहुंचे। एक दस्तखत से ये बम वर्षा खत्म हुई, पेरिस शांति समझौता हुआ, वियतनाम से अमरीकी सेना लौट गई। और अमरीका के लौटने का असर कंबोडिया पर भी दिखा। अमेरिका के जाते ही कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि खमेर रूज ने कस्बों में स्थित सरकारी दफ्तरों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी बमबारी से नाराज गरीब किसान और कामगार उनके साथ आ गए। जनरल लोन नोल के हाथों देश की सत्ता गंवा चुके पूर्व राजा सिहानोक, उन्होंने भी खमेर रूज के प्रतिरोध का समर्थन कर दिया। बदले में उन्हें एक आश्वासन मिला कि जब पार्टी सत्ता में आएगी तो सिहानोक को उनका राजपाट मिल जाएगा। 2 बरस बीतते न बीतते खमेर रूस ज्यादातर ग्रामीण इलाकों को जीत चुके थे। फिर उन्होंने राजधानी नोम पेन के बाहर घेरा डाल दिया। साल था 1975 का, घेरा था 3 महीनों का। और इन 3 महीनों में जनरल लोन नोल क्या कर रहे थे? वो देश से बाहर थे, जनवरी में ही चले गए थे, समर्थन जुटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब ताकतवर देश इस इलाके में नहीं आना चाहते थे। ताकतवर देश अब तक वियतनाम में दखलंदाजी का सबक नहीं भूले थे। जाहिर है लोन को मदद नहीं मिली
और अप्रैल 1975 के तीसरे हफ्ते में 17 अप्रैल के रोज खमेर रूज ने जीत का ऐलान कर दिया, राजधानी में दाखिल हो गए। जब आप तानाशाह के इस एपिसोड में दाखिल हुए थे तब उसी वक्त का मंजर बताया गया था। रेडियो प्रसारण था, भोंपू थे, पलायन था पूरे के पूरे देश का। तानाशाह के अगले एपिसोड में देखिए किस तरह खमेर रूज के सर्वेसर्वा यानी सलोत्सोर ने पूरा देश तबाह किया, वो पोलपॉट कैसे बना, उसका लाया ईयर जीरो क्या था, उसका भाई कैंटीन में किसकी तस्वीर देखकर गश खा गया, और सबसे जरूरी चीज पोलपॉट को यानी खमेर रूज के सबसे बड़े नायक को टायरों पर लिटाकर किसने जलाया। यह है तानाशाह ललन टॉप की नई सीरीज।